अब ये द्वापर जानी वाला है। अरे पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आनी वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आनी वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आनी वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आनी वाला है। कलयुग आनी वाला है। अब द्वापर जानी वाला है। कलयुग आनी वाला है। द्वापर श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाते हैं? अरे ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। अरे पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इन
इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिके था कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिके था कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिके। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। अरे सोच समझ ले है अर्जुन, अब धर्म ही सोनी वाला है। सोच समझ ले है अर्जुन, अब धर्म ही सोनी वाला है। इंसान बिका था सतयुग में और भगवान बिकेगा कलयुग में। सोच समझ ले हे अर्जुन, अब धर्म ही सोनी वाला है और पाप और पाखंड भराए कलयुग आने वाला है। क्योंकि एक भजन में सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद ने भी ये बात बताई है, अगर नया रंग और नई रोशनी, अरे नया जमाना आवेगा और जति सती सतवादी मर्दना ढूंढे से पावेगा। क्योंकि गाय ब्राह्मण साधु की सेवा कलयुग में कम से कम हो जावेगी। अरे अब तो मर्द कसम बढ़ रहे और अब औरत कसम बढ़ जावेगी। चाय बीड़ी सिगरेट की ये आम रसम हो जावेगी और दारू सुल्फा गांजा की भाई सबके गम हो जावेगी। अरे लक्ष्मी चंद के गए पीछे कौन ये ज्ञान सिखावेगा, और जल्दी सती सतवादी मानसना ढूंढे से पावेगा। एक बात और बताई दादा लक्ष्मी चंद ने, अब कलयुग के अंदर बाई पास भाण बैठेगी, अरे साड़ी रोटी पाओगी, अरे बहू सास पर हुक्म चलाओ बेचारी सासू बर्तन पति ने छोड़कर औरत भाग जा, बा नया नया ठिकाना टोवेगी। अरे दादा पोता का खून भी लेना भाई ऐसी बात भी होगी। कलयुग में एक पति से भी औरत का काम नहीं चलेगा ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो दादा पोता का खून भी लेना ऐसी बात नहीं होगी। अरे नकली पोत छठे घर घर में यो असल बीज मिट जावेगा और जती सती सतवादी मानस ना ढूंढे से पावेगा। तीसरी कड़ी में क्या बता दिया, खुशी के दीप जलाती है तेरे भारत में अर्जुन, मेरी गाय काटी जाती है तेरे भारत में अर्जुन, मेरी गाय काटी जाती है।
बेटी पैदा होती वो खुशी के दीप जलाती है। अरे तेरे भारत में अर्जुन मेरी गाय काटी जाती है। सोच समझ ले हे अर्जुन, अगर ऐसा होगा तो ये मातम छाने वाला है और पाप और पाखंड भराए कलयुग आनी वाला है। सजनो जितने भी परेशानी है वर्तमान में उसकी वजह है गाऊ माता की दुर्दशा, क्योंकि ये अपना शरीर है ये पंच तत्व से बढ़ता है। आकाश वायु वायु अग्नि अधव्य पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और जड़ पांच तत्व से शरीर की रचना होती है। और इन पंच तत्वों को मजबूत रखने के लिए हमको पंचगव्य की आवश्यकता पड़ेगी, पंचगव्य लेना पड़ेगा। आप जितनी श्रोता बैठे हो मेरे को ये बता दो, पंचगव्य तो छोड़ो, अगर कोई एक भी गव्य लेता तो बताओ, क्योंकि यही तो है। तो आखिरी कड़ी में क्या बताया, क्या बताया, कलयुग के अंदर इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, अभी भाई पहला जी ने जानकारी दी है कितनी बताई थी, 149 करोड़। ये तो हमारे भारत की जनसंख्या बताइए, वैसे पूरे विश्व की जनसंख्या ऐसा सुनने में आता है 750 करोड़ बताइए, 750 करोड़। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पापों में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे पाप बढ़ेंगे, और जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे वैसे वैसे बीमारी बढ़ेगी, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो आदमी की उम्र कम होगी। हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं अगर आज से 15-20 साल बाद में 2050 में मानव की उम्र केवल 40 वर्ष। 40 वर्ष के माई सीताराम जी जन्म लेबो, खेलबो फटबो लिखबो, शादी ब्याह कराबो और संतान पैदा करो करबो और सत्य बोलिया करते हैं। ऐसा रा काम अपन 40 वर्ष के माए माए करना पड़ेगा, क्यों कि हम पंच गव्य नहीं लेते हैं, हमारे पंच तत्व बीमार पड़ जाएंगे और पंच तत्वों में खराबी आ जाएगी तो भाई जीवन कम हो जाएगा, उम्र कम हो जाएगी। तो आखिरी कली में क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, अरे जनसंख्या भटनी से पापों में वृद्धि हो जाएगी, अरे भला आदमी दुख पावे सर लाचारी छट जाएगी, भला आदमी दुख पावे सर लाचारी छट जाएगी, भला आदमी दुख पावे सर लाचारी छट